ओम शांति। 31/12/2017 की अव्यक्त मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने वर्ष 2018 को समाप्ति वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और दुनिया को जगाने का वर्ष इस रूप में मनाने को कहा है। इस संदर्भ में मुझे 24 कैरेट संपूर्ण बनने के लिए 24 पॉइंट्स इमर्ज हुए हैं जो यहाँ शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट एक, अमृत वेला को ठीक करने का पुरुषार्थ अवश्य करना है। यह वेला मिस न होने के साथ साथ पावरफुल और लवफुल हो, इस पर भी ध्यान देना है। बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे तुम सिर्फ अपना अमृत वेला ठीक करो तो मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। पॉइंट दो, बाबा की साकार और अव्यक्त मुरलियों पर अधिक से अधिक मनन चिंतन करें। सेवा केंद्र पर क्लास में निकली सुनने से संगठन का विशेष बल और वायुमंडल का अतिरिक्त सहयोग मिलता है। पॉइंट तीन, नुमा शाम अथवा संध्या काल योग अकेले या संगठित रूप से अवश्य करें, जिसमें विश्व की आत्माओं व प्रकृति प्रति योगदान सकाश देना है। पॉइंट चार, रात्रि को सोने से पहले कम से कम 15 से 30 मिनट योग करें, यदि हो सके तो साकार या अव्यक्त मुरली पूरी या सार पढ़कर अंत में बाबा को चार्ज देकर श्रेष्ठ संकल्प करके बाबा की याद में सोना है। इससे विकर्मों के बोझ से हल्के होने में मदद मिलेगी और दूसरे दिन की शुरुआत श्रेष्ठ संकल्पों से होगी। पॉइंट पाँच, सेवा केंद्र से कनेक्शन जरूर रखें। बाबा के कमरे में कुछ समय के लिए योग अवश्य करें, इससे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी और कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ स्थिति बनी रहेगी। पॉइंट छः, बाबा और माया दोनों के बहुरूपी कार्य हैं और दोनों ही सर्वशक्तिमान है, इस बात को ना भूलें और माया से हर पल जागरूक रहें। पॉइंट सात, अपने लक्ष्य और जिम्मेवारी प्रति सतर्कता रखनी है। पुरुषार्थ और पढ़ाई अंत तक चलनी है, इसमें तनिक भी आलस्य और अलबेलापन ना आए, इसकी खबरदारी रखनी है। इसके लिए सदा उमंग उत्साह में रहना जरूरी है। पॉइंट आठ, विस्तार से सार में अधिक रुचि रखें। आत्मा बिंदी, शिव बाबा बिंदी, रामा बिंदी, इसमें ही सारा विस्तार समाया हुआ है। पॉइंट नौ, शब्दों से अधिक अपने कर्मों द्वारा गुणों को दर्शाएं। पॉइंट दस, तन मन धन तीनों को सेवा में सफल करने पर अटेंशन हो। कुछ नहीं कर सकते तो सदा रहम दिल बन, सर्व को दुआएं दो, दुआएं लो। यह सहज और शक्तिशाली सेवा है जिसमें समय और मेहनत कम लगती है और रिजल्ट ज़्यादा निकलती है। पॉइंट 11, चारों ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना जरूरी है, पर वर्तमान समय अनुसार देवी गुणों की धारणा पर अधिक फोकस हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब अपने चलन और चेहरे द्वारा स्वयं को और बाप को प्रत्यक्ष करने का समय आ गया है, इससे ही वास्तविक प्रत्यक्षता होगी पढ़ाई की और पढ़ाने वाले की। आचार, विचार, उच्चार
और आहार शुद्धि, इसमें ही सभी धारणाओं का समावेश हो जाता है। पॉइंट 12, जब तक देहत की दृष्टि और आत्मिक दृष्टि नहीं बनेगी तब तक समझना मंजिल अभी दूर है। पॉइंट 13, विकार और दैहिक आकर्षणों से अब इच्छा मात्रम अविद्या होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब यह हमारे संकल्पों और स्वप्नों में भी आना बंद कर दे। पॉइंट 14, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे दोहरा व्यक्तित्व वाला ना बने, नहीं तो बीच मझधार में अटक जाएंगे। सच्चे और साफ दिल वाले ही भगवान को पसंद है। पॉइंट 15, श्रेष्ठ कर्म तुरंत करें और बुरे कर्म करने के पहले बार बार सोचें। हो सके तो बाप दादा को सामने रखकर विचार करें, सूक्ष्म मदद मिलेगी। पॉइंट 16, जीवन में हर बात में बैलेंस जरूरी है, यही सर्वश्रेष्ठ साधना है, और बुद्धि की स्पष्टता यही सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक है, क्योंकि बैलेंस से जीवन में स्थिरता आती है, तो स्पष्टता हमें सही दिशा की ओर उन्मुख करता है और अंत में निरंकारी और नम्र बनाता है। पॉइंट 17, प्रेम और संतुष्टता का गुण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सर्वप्रति प्रेम ही सुखी दुनिया का आधार है और संतुष्टता सर्व प्राप्तियों का आधार है। जिसमें ये दोनों गुण हैं उससे दूसरे सभी भी प्रेम करते हैं और संतुष्ट रहते हैं, जिससे उसका दुआओं का और पुण्य का खाता जमा होता रहता है। पॉइंट 18, एकांतवासी, मौन और विचार सागर मंथन, इन तीनों का अभ्यास आपको अशरीरी स्थिति बनाने में मदद करेगी। पॉइंट 19, सुदर्शन चक्र अथवा पांच स्वरूप और ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास बीच बीच में करते रहें। इससे मन समर्थ बन दैवी गुणों का विकास होता है। परदर्शन, धूतीपना और व्यर्थ बातों में अपना बहुमूल्य समय ना गवाएं। संगम का अमूल्य समय सारे कल्प में एक बार ही मिलता है, यह स्मृति में रख समय सफल करें, वरना अंत में पश्चाताप ही करना पड़ेगा। पॉइंट 20, अहंकार एक क्षण में ही सभी कमाई चट कर पद भ्रष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। कृतज्ञता, नम्रता के गुण और निमित्तपन का भाव है तो अहंकार को स्थान नहीं मिलेगा। रेस करने की मनाही नहीं है, पर रेस ना करें। पॉइंट 21, याद के चार्ट को 4 से 8 घंटे तक बढ़ाओ। इसके लिए एक स्थान पर ही बैठकर योग नहीं करनी है, पर कर्म करते हुए याद जरूरी है, क्योंकि यही अभ्यास अंत समय में अचल अडोल स्थिति बनाने में और अंतिम समय की सेवा में मदद करेगा। देही अभिमानी, फरिश्ता स्थिति और बीज रूप अवस्था, इन तीनों को योगाभ्यास में जरूर शामिल करें। पॉइंट 22, जो स्व चेकिंग कर स्व को चेंज करेगा वही अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकेगा। पॉइंट 23, बीच बीच में अब घर जाना है और नई दुनिया में आना है, अर्थात मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की स्मृति का अभ्यास करते रहें। इससे नष्ट मोहा और बेहद के वैरागी बनने में सहयोग मिलेगा। पॉइंट 24,
आखिर में मन मना भव, एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, यही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। इनको जो अमल में लाएगा और हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए बहुत काल के अभ्यास द्वारा सदा एवर रेडी रहेगा, वही अचानक के सेकंड का फाइनल पेपर में पास हो आगे नंबर लेगा। ओम शांति।